मौसम की इस वजह से इंसाफ पसंद है, वरना आपको हमने देखा है कि साले दो कौड़ी के बड़वे हैं, दो कौड़ी के बड़वे साले बुलाए पहले पार्टी में बिजी है। आज यहाँ पर जो जितने भी सर दिख रहे हैं, जितने भी लोग दिख रहे हैं, वो चाहते हैं, वो बेखौफ है, क्या करते हैं सरकार से, क्या करते हैं सरकार से, किसी का काम नहीं डरा सकता, उनकी औकात अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो ठीक के लिए जाएगा। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और इस संविधान के अधिकार को कोई माइका लालम से छीन नहीं सकता। अगर सीधे तरीके से नहीं मिला तो हलक में हाथ डाल के इंसाफ निकालेंगे। आज मिला जहां पर हमारे देश में नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी होती है कि उसकी आने वाली जो भी न्याय की लड़ाई है, क्या होता है ना भाई साहब, एक मुद्दा सोशल मीडिया पर चलता है, तब कैंडल मार्च निकालेंगे, तब नारे लगाएंगे, दस दिन के बाद भूल के घर पर बैठ जाएंगे। मैं आप तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं कि आखिरी जो हिंदू मुसलमान का सबसे बड़ा जो एक घटना है, आपको याद है कौन सा है? अंकिता है, शाहरुख अंकिता है, शाहरुख अंकिता है। देखिए मैं आपको दो मिनट में साबित करता हूं कि आपका मेरा दिमाग कितना कमजोर है। मीडिया हमारे ऊपर इतनी हावी है कि हम याद नहीं कर पा रहे हैं कि जो आखिरी घटना घटी है, हिंदू मुसलमान की सबसे बड़ी घटना, वो हम कितना साबित करें। नहीं मेरे भाई, उदयपुर में गला काटा गया याद है, इससे बड़ा कोई घटना नहीं है, लेकिन मीडिया ने हमें इस तरह से भ्रमित कर दिया है कि हमें याद आने में समय लग रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें ये भूलना नहीं है कि यहाँ पे हमें इंसाफ दिलाने के लिए पूरा भीड़ जमा हुआ है। विनय दुबे जैसे लोग आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन आप लोग जो जमीन पर रहते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि आपको लेने के लिए आगे होना पड़ेगा। यहाँ पे कितने लोगों को एफ आई आर हुई थी जब वो दंगा हो गया, यहाँ पे टायर वगैरह चलाया गया, आप बताइए कितने लोगों पर है? चालीस लोग। मैं यहाँ के एसपी महोदय से कहता हूँ कि जेल के दरवाजे खोल दो, 40 में ये पूरी पूरी दिन में लोग कर रहे सर, 40 से कुछ नहीं होगा। अगर इंसाफ देने के लिए हमें 4 लाख लोगों को भी जेल जाना पड़ेगा तो आप जेलें खोलो, हम लोग आ रहे हैं। अगर जेल जाकर ही इंसाफ लेना है तो हम वैसे ही इंसाफ लेंगे जैसे आप चाहते हैं, लेकिन हमें कोई भी कानून नहीं तोड़ना है। पुलिस हमारी मदद के लिए है, सरकार पे हम भरोसा वगैरह न करें वो अलग बात है, लेकिन पुलिस की जो खाकी वर्दी है वो संविधान के दायरे में आती है। हम लोग संविधान की किताब लेकर लड़ने वाले लोग हैं, हमें कोई भी तरह की ऐसी कोई घटना नहीं करनी है जिसे कानून या नियम व्यवस्था टूटे, और जो ये तोड़ता है समझिए वो इंसान न संविधान में विश्वास करता है न इंसानियत में विश्वास करता है। आज धीरे धीरे 45 के से हो गए, लेकिन आज भी मैं खड़ों के डंडे की चोट पर सरकार की भजिया उड़ाता हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरा संविधान मेरे साथ है। अब तमाम लोग यहां पर आए, इतनी देर से आप इंतजार किए, मैं क्षमा चाहूंगा देरी के लिए, लेकिन मैं सलाम करता हूं कि बहुत दिनों बाद कुछ ऐसे मर्दों से पाला पड़ा है जो देखने के लिए और लड़ने के लिए तैयार है। इन तमाम लोगों को सलाम करता हूँ, वरना देश में तो ऐसे लोगों की बहुत तैयार हो गई है जिनका तलवा काटने से समय नहीं मिल रहा। मैं धन्यवाद करता हूँ आप तमाम लोगों को, शुक्रिया शुक्रिया। मैं आप तमाम लोगों से एक निवेदन करूंगा कि मिलना जो उसके परिवार का साथ कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि आप ही एक उनकी आखिरी उम्मीद है। सरकारें विरुद्ध है, प्रशासन विरुद्ध है, लेकिन एक आप लोग का जज्बा है जो मिलना आपको इंसाफ दिलाने के लिए ले जाएगा। कल मैं किशनगंज के एसपी महोदय से मुलाकात करूंगा और कोशिश रहेगी मेरी कि इस मामले में जल्द से जल्द गिरफ्तारी किया जाए। मुझे पता चला है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए पूरी प्रक्रिया रुकी है, लेकिन निवेदन करूंगा एसपी साहब से कि आप इस पर कार्रवाई करें, किसी न किसी को जो आरोपी इसमें नामजद है उनको गिरफ्तार करें, बाकी फैसला अदालत पर छोड़ दीजिए, वो बेगुनाह है, उन्होंने किया है नहीं किया वो अदालत तय करेगा, लेकिन आप लोग जो जनता की एक डिमांड है कि इनके आरोपियों को गिरफ्तार होना चाहिए, वो मांग लेके मैं एसपी के पास जाऊंगा
और अगर एस पी साहब इस मांग को नहीं मानते हैं तो महात्मा गांधी देखिए ऊपर वाला भी साहब का पचास से लाइट आगे जाए। अगर रफी साहब आप निवेदन को नहीं मानते हैं, कोई कठोर कार्रवाई का हमको ये विश्वास नहीं दिलाते हैं, तो यकीन मानिए एस पी साहब के कार्यालय में बाहर जो क्या कचरा रखा जाता है, थाली तंगी होती है, उसी के बगल में बैठ जाऊंगा और जब तक नहीं मिलेगा तब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी। किशनगंज नहीं आए हैं तो आरोपी को गिरफ्तार करा के ही जाएंगे। या तो मुझे जेल में डालो, वैसे हम किसी के पास से नहीं है और इंसाफ को इनको जेल में पड़ेगा, इंसाफ हमें छीन के लेना पड़ेगा। लेकिन जो प्रस्ताव आपने यहाँ पे जो दावा तैयार किया, आपके अंदर जो एक इंसानियत है उसे कम मत होने देना मेरे दोस्तों, क्योंकि यही एक इंसानियत हम सबके बीच में बहुत छोटी मात्रा में बची है। अगर ये भी खत्म हो गई तो ऊपर वाला बोलेगा कि क्या वे घूस रही है, उनको क्या करने भेजा था और तुम क्या कर रहे थे। तो जब उसको जवाब दे रहा है तो मर्द जैसे छाती ठोक के वहां खड़े रहकर बोल सके कि आपने जो हमें इंसान बना के भेजा ये सारी चीजें मैं करके आया हूं, अब आप तय करो कि मुझे क्या करना है। आप तमाम लोगों को मैं धन्यवाद करता हूं और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि कल एस पी महोदय से लेकर कोई ठोस कार्रवाई के लिए मैं इससे आगे कर सकूं और आप लोग इसी तरीके से हिम्मत और जज्बा बनाए रखें, क्योंकि मेरी असली ताकत आप तमाम लोग हैं और अभी भी हमें ये लगेगा कि मिलना को इंसाफ नहीं मिलेगा तो यकीन मानिए मुंबई में जो बांद्रा कांड हुआ था किशनगंज उससे बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। और इन नजारे के साथ कहता हूं किशनगंज में उससे बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। लेकिन हम पहले निवेदन करेंगे, नहीं माना तो पास हमारे पास संविधान का अधिकार है और हम संविधान के तरीके से अपने आंदोलन की घोषणा करेंगे और किशनगंज की धरती को दिखा देंगे कि आप चाहे कितने भी ताकतवर के हिसाब से उनको आरोपियों को रोको, लेकिन जनता की आवाज जो है सर्वोपरि और संविधान सबसे बड़ा है। तो क्या आप लोग तैयार हैं? फिर सभी को धन्यवाद, कल मिलते हैं एसपी कार्यालय में। थैंक यू सर। सारे बाहर बताने चाहे तो हम लोग भी चलते हैं आपके हाथ में। अभी कल के लिए आप लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका भाई अकेले काफी है। अगर मुझे लगा कि नहीं सुनाई होगी फिर मामले को जनता की अदालत में ले जाएंगे। जस्टिस पर नारा लगा दीजिए सर, जस्टिस पर नारा लगा दीजिए।